सरकार आखिर क्या कर रही है बेरोजगारी हटाने के लिए आज के सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चाहल अकेडमी माय नेम है शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम जानने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो आई है टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर हम अनइंप्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई इंसान एक्टिवली एम्प्लॉय होना चाह रहा है, है नौकरी करना चाह रहा है बट उसको ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है वो जॉब नहीं सिक्योर कर पा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है एक इकॉनमी की वेलबींग well का बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है इकोनॉमी की वेलबींग well का जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो अनुप्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ एक्टिविटी स्टेटसेस के बेस पे डिसाइड करता है जैसे कि एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड एंड नॉट सीकिंग वर्क इसमें जो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड होते हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं उ एवर नॉट सीकिंग वर्क जो है वो लेबर फोर्स का पार्ट कंसिडर नहीं होती है अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं बट अब हम मूव करते हैं उसके तरफ जिसके बारे में हमने बात की थी सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में एक सबसे बड़ा और विजिबल चैलेंज है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं ये एक बड़ा हिंडरेंस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का सेकेंड वी हैव स्किल गैप जो जॉब की अपॉर्चुनिटी की डिमांड है स्किल सेट वो लोगों के पास नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम और वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम उस लेवल का नहीं है स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इंडियन इकोनोमी में आप इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिन जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज वर्किंग ऑपरचुनिटीज और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ऑपरचुनिटीज जनरेट करना और भी मुश्किल हो जाता है अगर आप जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ वर्क रोल स्पेशली इन अर्बन एरियाज अभी भी आप रिसेंट सर्विस देखेंगे सो फीमेल आर लैकिंग बिहाइंड एंड ग्लोबली सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आर इंडियन वन वर्क करती हैं, बट दे आर स्टिल अंडरपेड सो उनका काम जो है वो रिकग्नाइज नहीं है और पेड नहीं है फर्दर मोर्थ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है उसके साथ जॉब भी है टेक्नोलॉजिकली डिमांडिंग होती जा रही है जो कि रिक्वायरमेंट हमारे कैंडिडेट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एंड लास्ट है स्टैटिस्टिकल चैलेंजेस टू अंडरस्टैंड एंड टू मेजर कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस किस फॉर्म में चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है इस वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में बट फिर भी गवर्नमेंट ने एफर्ट किया है एंड वील बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाई है टू अड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहला और सबसे नामी जो स्कीम है वो है एम जी नरेगा एम जी नरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन स्कीम बेसिकली ये एक डिमांड ड्रिवन डिमांड के हिसाब से वेज मिलने वाला एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है इनहसमेंट ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी अगर हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो रूरल एरियाज में देखी जाती है और ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है वो इस से इसकी होता है बाय 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में रूरल एरियाज में यहां पर 100 डेज जो है गारंटी किए जाते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट के हर फाइनेंशियल ईयर में और हर हाउस होल्ड में जहां पर जहां पर एडल्ट मेंबर्स जो हैं वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार हैं। रिसेंटली एमजी नरेगा की जो वेज है वो इंक्रीज कर दी गई है बिफोर इट वाज 182 नाउ इट इज 202 रुपीस। सो इट हैज बीन अ कि जो भी बेसिकली रूरल एरियाज में काम होते हैं चाहे वो लेबर के हों इसके थ्रू इंश्योर किया गया है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन भी हो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ विच कि सबसे पुरानी स्कीम यही है ये यह उन स्कीम्स में जो अभी तक चलती आ रही हैं और एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी दे रही है द नेक्स्ट वन वी है इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड फिफ्टीन ताकि लोन्स दिए जा सके टू स्पेशली नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को यहां पर फोकस किस चीज पे है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ फोकस है मुद्रा बेसिकली माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने बनाया है अब ये एजेंसी जो है वो डायरेक्टली लोन नहीं देती है ये फंडिंग प्रोवाइड करवाती है बाय डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक हो गए एनबीएफ हो गए माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए और एंटरप्रेन्योर्स और इन अपकमिंग बिजनेसेस को नॉन फार्म बिजनेसेस को हेल्प करती है ताकि वो ये सेट कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके और वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके देन वी हैव प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जो स्कीम है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर स्किल इंडिया इनिशिएटिव स्किल इंडिया इनिशिएटिव एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो स्किलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पर फोकस करता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग देती है और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन देती है यूथ को इन वेरियस सेक्टर्स जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आई इनसे ये ट्रेनिंग करवाई जाती है और सर्टिफिकेशन मिलता है यूथ को स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो कवर करती है सारा पॉस्ट ट्रेनिंग का और साथ ही साथ असेसमेंट का इस स्कीम का एम बेसिकली ये है कि जो ये स्किल गैप एग्जिस्ट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करने में उसको खत्म किया जाए और स्किल डेवलपमेंट जो है वो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो और साथ ही साथ अफोर्डेबल हो ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोक्योर कर सके और साथ ही साथ सिक्योर करके अपनी लाइफ में बेटर कर सके द नेक्स्ट वन यू हैव हेर इज पीएम एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है अगर <laughs> अगर आप क्रेडिट लेते हैं आप लोन लेते हैं और आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं इन सर्टेन सेक्टर्स जो इसमें मेंशन है तो आपको उस पर सब्सिडी मिलेगी दिस वॉज लॉन इन टू थाउजेंड एट बट इसके फेज टू के कंटिन्यूएशन का अप्रूवल आ चुका है एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन अब ये किस चीज के लिए आप क्रेडिट ले सकते हैं आप ले सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है चाहे वो रूरल या फिर अर्बन एरियाज में हो इसके तहत एंटरप्रनोर्स जो हैं वो अपने फैक्ट्रीज और यूनिट सेट कर सकते हैं ताकि वो बिजनेस तो बढ़ाएं ही साथ है साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जेनरेट करें ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज देख रही है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो kbic दैट इज खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन वो कर रही है ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आती है द नेक्स्ट वन वी हैव हेयर इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जिसको हम पीएम स्व निधि भी कहते हैं बेसिकली ये स्कीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई थी ताकि उनको लोन्च दिया जा सके उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो दिस स्कीम लॉन्च बैक इन 2020 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड पैंडमिक एंड जब इकोनॉमी रीओपन होना शुरू हुई तो स्ट्रीट वेंडर्स को होलिस्टिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई इस स्कीम में कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स दिए जा रहे हैं अप टू टेन थाउजेंड रुपीज जो कि एक साल टेन्योर का होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी लैक स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा चुका है कि वो अपने बिजनेसेस जो हैं वो अर्बन एरियाज में और सेमी रूरल एरियाज में सेटअप कर सके इसके अलावा वी ऑल्सो हैव फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम दिस हैज बीन लॉन्च टू ईर्स बैक और ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च की गई है आर्टिजन ट्रेडर्स को फेसिलिटेट करने के लिए ताकि उनका रिकगनेशन स्किल डेवलपमेंट क्रेडिट इंसेंटिव क्रेडिट और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जा सके जो भी आर्टिजन है चाहे वो पॉट मेकर चाहे वो ट्रेडर्स हो चाहे वो साड़ीजिंग हो ऑल दीज आर अकाउंटेड इन दिस और ये forms, ये आर्ट फॉर्म्स जो है वो आउट ऑफ बिजनेस या एक्सटिंग ना हो जाए उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये फैसिलिटेशन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट जिसमें टू फिफ्टीन डेज की ट्रेनिंग मिलती है जिसमें एम्प्लॉय को जो वहां पर काम कर रहा है जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको स्टाइपेंड भी मिलता है टूल भी मिलती है और साथ ही साथ ई वाउचर्स भी दिए जाते हैं इसके अलावा कोलैटरल फ्री लोन दिए जाते हैं थ्री लैक्स तक के एट कंसेशनल फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट वो भी अलग अलग ब्रांचेस में जो भी एलिजिबल आर्टिजन होते हैं उनके लिए फर्दर मोर डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया जाता है इन आर्टिजन को ब्रांडिंग दी जाती है क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाता है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है उसका भी एक्सेस दिया जाता है कि सिर्फ इन्हें सिखा के ट्रेन करके नहीं छोड़ना है इन्हें केपेबल एंड मूविंग बनाना है गवर्नमेंट जो है जो एक स्टैटिस्टिकल चैलेंज है उस पर भी काम कर रही है बाय इंटरलिंकिंग ऑल द डेटा अलग अलग पोर्टल्स बनाए गए हैं जैसे कि उद्यम ई श्रम नेशनल करियर सर्विस एंड आत्मनिर्भर Employee, mapping, जिसको असीम भी बोला जाता है और इन सब को लिंक किया गया है ताकि प्रॉपर डेटा जो है उसको कॉन्सलिडेट करके बेटर पॉलिसी मेकिंग हो पाए साथ ही साथ यहां से लाइव और ऑर्गेनिक डेटा बेसिस जो है वो गवर्नमेंट टू सिटीजन बिजनेस टू सिटीजन बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं तो इस डेटा के थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट अपरचुनिटीज जनरेट की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और विद मोर एंड मोर चैलेंजेस कमिंग आप इसको एड्रेस करना डिफिकल्ट होता जा रहा है बट गवर्नमेंट जो है अपना फुल ट्राई कर रही है और अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव ला रही है इस वीडियो में बस इतना ही हम और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे फॉर मोर सच वीडियोज फॉलो अस ऑन द चैनल ऑफ Chahal Academy that's all for today thank you so much